ना धीरता ना रे बंद हो गया। हेलो दादी, भैया और भाभी रूम में पहुंच गए। अब प्लान नंबर 1 सक्सेसफुल हो गया। आर यू रेडी फॉर प्लान नंबर 2? मैं भी रेडी हूँ, बस अभी आया। बाय। क्या हुआ विशाल जी, आप बहुत थक गए हैं ना? हाँ सरस्वती, थक गया हूँ अब मैं अपनी इस कमियों भरी जिंदगी से ना, थक गया हूँ मैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे इट्स ओके। इट्स नॉट ओके सरस्वती, सिर्फ इसलिए कि तुम मुस्कुरा रही हो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। आज तुम्हारी बहन की शादी शहर के सबसे अमीर परिवार में हुई, दुल्हन बनकर अग्निहोत्री मेंशन में गृह प्रवेश हुआ है उसका, और तुम हो यहां मेरे साथ इस नर्क में। विशाल जी, हमारे इस घर को आप नर्क कह रहे? जिस घर को हमने इतने प्यार से बनाया है, क्या हुआ अगर हमारा ही घर छोटा है? और क्या हुआ अगर इस घर में लाइट नहीं है? गर्मियों में तो सबके घर में लाइट जाती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि लक्ष्मी का गृह प्रवेश बड़े बंगले में हुआ, आपको लगता है कि मुझे भी वैसे ही जीवन की इच्छा होगी? बस इतना ही जाना ना आपने मुझे। विशाल जी, जिस जीवन की मुझे इच्छा थी वो तो आप मुझे दे चुके हैं। आपका साथ और आपका प्यार, और हमेशा बस इतनी ही इच्छा रहेगी कि आपका साथ रहे और आपका प्यार कभी कम ना हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रहा हूं कि अपने टाइप की तुम बस एक ही हो। दूध का ग्लास तो देखा था फिल्मों में, ये शैंपेन किस तैयारी में है? नहीं नहीं, मैं कहाँ पीती हूँ, याद नहीं कसीनो में बताया था? हाँ। कितने हैंडसम लग रहे हो। ये फिल्में कैसी हैं? ये हम पिक्चर देखेंगे? नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? हमारे कमरे में है, तो हमारे लिए कैसे नहीं हुई? नहीं लक्ष्मी, तुम नहीं, नहीं। अर्जुन साहब, अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। छुप
छुपाना चाहता कौन है? हाँ हाँ याद है, अमरनाथ की यात्रा भी याद है। मौका मिलते ही अर्जुन से बात करूंगी। हे राम, अब क्या करूं? अर्जुन को बताने का मौका ही नहीं मिला, और अब बताऊंगी तो। आकाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दादी। अरे दादी, आप यहाँ हैं, आप कर क्या रही थी? दादी बिना लाइव कमेंट्री सुनी जा रही है हमारी, ये हुआ जस्ट टू मच। ए आकाश, ये क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है। तूने माइक का कनेक्शन तो ठीक से किया था ना? जी दादी, मैंने दो बार अरेंजमेंट किए थे, अब खुद से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं जानती थी आप कोई ना कोई शैतानी जरूर करेगी, और इतनी देर से ऊपर आप ये सब प्लानिंग कर रही है ना? और माँ, सुहाग रात के दिन बच्चों के कमरे में कोई माइक लगाता है क्या? और तुम दोनों क्या आइए, उठो चलो चलो जाओ यहाँ से। ये अभी पिक्चर शुरू भी नहीं हुई और तू दी एंड का बोर्ड पकड़ के बैठ गई। अगर कुछ शुरू हो जाता ना तो मैं ये बच्चों को भगा देती, एडल्ट फिल्म है ना। स्वाति, आकाश जी जा रहे हैं। हाँ हाँ जा रहे हैं, वैसे भी आप यहाँ रहकर क्या मिलने वाला है? और दादी, आप भी ना किस बुद्धू से हेल्प लेती है? अरे अर्जुन भैया ने तो एक मिनट में वायर पकड़ ली होगी और कनेक्शन काट दिया होगा। लुच्चा, हाँ ये देखो कैसी बातें कर रहे थे बच्चे। आप भी ना हद करती है माँ, और ऐसे कोई अपने पोते के सुहागरात पर। हे यू ओल्ड फैशन लेडी, वो मेरा पोता नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। और अब तो मैं खुद जाके कान लगा के सुनूंगी लाइव, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मुझे रोकेगी? मैं तेरी सास हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, हट्टी कट्टी पुल्लू की पट्टी। माँ, आपको जो चाहे आप कह लीजिए, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, ठीक है? एक काम कीजिए, आप ना यहाँ बैठिए और अम्मा जी की तरह मुझे अपनी जवानी के किस्से सुनाइए, ठीक है? चलिए। ये तो रास्ता छोड़ने वाली नहीं है, पता नहीं वहां क्या क्या हो रहा होगा। अर्जुन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, होंगे भी कैसे? अब तो शादी हो गई है, लाइसेंस है, कैसे बताऊं अर्जुन को व्रत वाली बात? क्यों? अब तो लाइसेंस भी है मेरे पास। हाँ, लेकिन अब समझो ना। समझाओ ना।
लेकिन एक मिनट, एक्चुअली बात ये है कि वो मैंने ना व्रत रखा था कि अगर मेरी शादी अर्जुन अग्निहोत्री से हो गई तो ना मैं अमरनाथ की यात्रा करूंगी और उसके बाद ही विवाहित जीवन की शुरुआत करूंगी। उससे पहले हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन तुम ठीक तो हो ना? अमरनाथ यात्रा क्यों? भगवान तो हर जगह है ना, कहीं आसपास की मन्नत मांग लेती। अच्छा एक काम करते हैं, सुबह की फ्लाइट पकड़ेंगे और शाम को वापस आ जाएं। और फिर ब्रेक मारो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम प्राइवेट जेट से चलेंगे ना। अब वो बात नहीं है। क्यों? ये कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। यात्रा तो अगस्त में ही कर सकते हैं। क्या? मई, जून, जुलाई, अगस्त? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब लोग तो यात्रा करते हैं, हम भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मिनट, ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? व्रत रखने से पहले मुझे थोड़ी पता था कि हमारी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। अब व्रत रखा है तो ईमानदारी से निभाना तो पड़ेगा ही ना, वरना शिवजी नाराज नहीं हो जाएंगे? अरे शिवजी, हाँ। तुम शिवजी को खुश कर दो और मैं? ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम थोड़ी कहीं भागे जा रहे हैं, अब तो सात जन्म साथ साथ रहना है, थोड़ा इंतजार तो कर ही सकते हैं, है ना? थोड़े दिन? 100 दिन है, 100। और फिर मैं अपनी सास को सामने खड़ी देखकर झेम गई थी। अरे जवानी की वो बातें। हम कहीं क्या है ना, जवानी के किस्सों का मजा जवानी में ही आता है, इस बुड्ढी को थोड़ी आएगा। सॉरी, मैंने तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं तो तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, शादी के दौरान कोशिश भी की पर बता ही नहीं पाई। सॉरी, माफ कर दो ना। नाराज हो तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे? अब बातें करने के लिए बचा ही क्या है? क्यों? मैंने तो सुना है सुहागरात के दिन पति पत्नी सारी रात जागते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इधर उधर की बातें करते हैं, जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ रोमांटिक बोलते हैं। तुम जानती हो बेचारा पति ये सब क्यों करता है? मतलब क्या पाने के लिए वो? तुम ना घुमा फिरा के एक ही बात पर आ जाते हो। बातें करते हैं ना प्लीज। लेट की बातें करें? मंडप में बैठे बैठे मेरी गर्दन अकड़ गई। दबा दो। आई मैनेज। ये किसने? भरोसा नहीं है मुझ पे। तुम पर है पर खुद पर नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा तो व्रत ही टूट जाएगा।
आप तो पकड़ सकते हैं। तुम्हारा वादा मेरा वादा है, कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम्हें ये भी पता है कि मुझे कॉमिक्स पसंद है। हाँ, ये अल्लाह मुझे दो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी। नहीं लक्ष्मी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, रहने दो। मेरे लिए क्यों नहीं है? छी, इतनी गंदी गंदी चीजें क्यों रखती हो? ना धिरता ना रे।